ये बताए मोदी जी कोई अपने परिवार के लिए काम करें, योगी जी कोई परिवार के लिए काम करिए, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे कि एक बहन चाय बेच रही है, फूल बेच रही है, पिताजी खत्म हो गए देखने नहीं गए, और किस तरह से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री माता जी खत्म हुई थी, और किस तरह से सब गाड़ी घोड़ा काफिला रोक करके आम नागरिक की तरह माता को कंधा देने पहुंचे। अभी बात कर रहे थे योगी जी की और मोदी जी की, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन व्यक्ति होगा, कौन इंसान होगा जो अपने पिता की अर्थी में शामिल न हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन व्यक्ति होगा। मेरे पिताजी अगर मर जाएंगे मैं 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर पे होऊंगा तो मैं पहुंचूंगा, लेकिन ये उनके पिताजी का दुर्भाग्य है जो उनका जनाजे में कंधा नहीं लगा सके। और बात रही, सर्च कर लो, नरेंद्र मोदी जी से देश का झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि झूठ के अलावा क्या कहा, 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में देंगे, सब कहाँ चला गया। जब उनको सिर्फ अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, 2024 में नरेंद्र मोदी जी की देश से विदाई है। इनका कहना है कि मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, नहीं चाहिए भाई हमको, हम जिंदा ही रहेंगे तभी हमको चाहिए ना। मुजफ्फरनगर में आप मरवा देंगे मुसलमानों को, ऐसे ही चाचा जैसे 4-5 नेता मुसलमान जाके सपा में ऐसे मुसलमानों को मरवा देते हैं, फिर मुसलमान जब सुरक्षित ही नहीं रहेगा रोजगार ले करेगा क्या। हम तो मेन मुद्दा यह है कि मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं, क्या दंगा जब होता है क्या हिंदू ही मरता है, मुसलमान नहीं मरता, क्या ऐसे मुसलमान व्यापारी मरते हैं हिंदू नहीं मरते हैं, यहाँ तक चाचा की पूरी सरासर बात झूठ है। 6 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं नहीं वो भी एक मिनट रुक जाइए, अरे अरे रुको चाचा एक मिनट चाचा को मैं बता रहा हूँ, अरे नहीं नहीं चाचा क्यों बैठने, चाचा की सरकार में मुजफ्फरनगर में 86,000 मुसलमान को मरवा दिया इन्होंने। अरे इधर आइए चाचा, समाजवादी पार्टी को कभी जिंदगी में किसी पार्टी को मुसलमानों ने वोट इतना नहीं दिया जितना आपकी बार समाजवादी पार्टी को दिया, तो क्यों जीत नहीं जीत पाए, क्यों नहीं जीत पाए समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके साथ उनका और बिरादरी यादव नहीं है, उनके साथ मुसलमान सिर्फ ये भोले चाचा है, हमारे बहुत भोले चाचा है, इनको एक पद दे दे चाचा गरमा गए बेचारे, परेशान हो गए, चाचा को बड़े भोले हैं बेचारे, इनको मालूम ही नहीं है कि भैया यादव जी वोट नहीं दे रहे उनको, हम वोट देंगे। आप भाजपा को नहीं हरा सकते, सच्चाई है, 95% मुसलमानों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, कहाँ जीत पाए आप, नहीं जीत पाए। आप आजमगढ़ हार जाते हैं घोसी चुनाव जीत जाते हैं, घोसी में 85,000 मुसलमान वोटर इसलिए आप जीत जाते हैं, आजमगढ़ में यादव मुसलमान ठाकुर हैं इसलिए आप वहाँ हार जाते हैं, क्योंकि यादव इनको पसंद नहीं करता, मुसलमान बेचारा वही है बेगाने के शब्द अब्दुल्ला दीवाना रहता जबरदस्ती, अखिलेश भैया गए रोजा का अवतार करा देंगे, अरे बाप रे खुश चचा कि रोजा का अवतार करा दिया, अब्दुल्ला दीवाना रहते अब्दुल्ला दीवाना एक है और रहेगा, अब्दुल्ला दीवाना है, अरे अब्दुल्ला की दीवानगी बता रहे हैं, सुनिए अब्दुल्ला के यहाँ गए रोजा अवतार में, रोजा अवतार में गए, अब सुबह से लेके 4 बजे से लेके 6 बजे तक मुसलमान कुछ नहीं खाया है, बेचारा नमाज पढ़ा और अखिलेश भैया आए तुरंत ही खजूर वो पेल लिए, तो भैया ही होता रोजा दिन भर के अब्दुल्ला और दीवाना और कोई चला गया तो कहीं, वह इनको टोपी पहना के टोप पर लंबी दे देते हैं, ये समझ ही नहीं पाते बेचारे, ये इतने भोले हैं। बिहार में करा देंगे नीतीश जी, खुद 3% मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो 18% है उनको गुलाम बने बैठे हैं, ये रोजा अवतार करा के टोपी पहना के मजार में जाके मुसलमान को छोटी टोपी पहनेंगे, पूरी टोपी पहनना आता भी नहीं है, भाजपा कभी न टोपी पहनती है न मुसलमान को टोपी पहनाती है, फिर क्यों भाजपा पसमानदार पीछे पड़े अगर टोपी नहीं फिट करना चाह रहे हैं, क्यों फिट करना चाह रहे हैं, उसी टोपी के लालच में तो है भाजपा कि किसी सूरत से आ जाए, लेकिन भाजपा के बहकाने में देश का प्रदेश का मुसलमान आने वाला नहीं है, चचा नहीं आएंगे, चचा लोग नहीं आएंगे, मुसलमान नहीं आएगा, हाँ सुनिए, चचा के घर में जितने वोटर होंगे चच्ची खुद इनसे नाराज हो जाएंगे, अगर आपकी वीडियो चच्ची देख ली तो यकीन मानो इनको घुसने नहीं देंगी, कि मोदी जी 3 तलाक मोदी जी लाल दिए हैं, आज लड़की सुरक्षित नहीं है, आप कितने केस देते थे, चाय नहीं बना पाए अच्छी, रात ही में ठंडी में निकाल देते थे मार के, चच्चा तो हम फिर कह रहे हैं चच्चा से, चच्चा एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, चच्चा दो चार साल एक मिनट चुप रहो, 2-4 साल 10 साल जिएंगे, अभी हमको जीना 30-35 साल, चचा हमको गुलाम की जंजीर में ऐसा बांधना चाहते हैं जो गुलामी करते करते बूढ़े हो गए बेचारे, अभी तक कोई हल ही नहीं निकला, अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमान का यूज़ किया, मुजफ्फरनगर दंगा में किसका बेड़ा गड़क हुआ,
चचा का नहीं हुआ, चचा गोद में बैठे तक क्लेश के, इसलिए चचा घर नहीं हुआ। मुसलमान कितने गरीब कितने बेघर हो गए, ये इन्होंने कहा चचा ने कि एक सांसद का लड़के का इलाज नहीं हो पाया, उसका लड़का मर गया। भैया 13 मुसलमान इलाहाबाद में मर गए थे, समाजवादी पार्टी भिजमा यादव विधायक थी उसकी वजह से मर गए थे, तब आप कहाँ थे? ये दो चश्मा कैसे आप? अब आप कहाँ थे? अभी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 2-3 साल फिर बात तो सुनो, खामोश रहो, बात सुनो, पूरा जवाब लेके दे रहे हैं जवाब। ये बात इनके पास जब जब भाजपा विपक्ष में रहेगी तो देश और प्रदेश के अंदर दंगे कराने काम भाजपा करती है। और सुनिए, भाजपा जो है मुसलमानों को दामाद तो बना सकती है, भाजपा मुसलमानों को दामाद तो बना सकती है, लेकिन मंत्री और विधायक नहीं बनाएगी। कितने मुसलमानों को टिकट देती भाजपा? इन्होंने कहा मुसलमानों को कितना टिकट देना? अरे हमको क्या जरूरत टिकट गया, हम सुरक्षित रहेंगे जरूर। की बात करी इस आदमी को, एक मिनट रुक जाए, रोजा इफ्तार वाले की बात कर रहा है, रोजा इफ्तार को देखो ये कौन है, कौन है देखो ये कौन है, टोपी लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए, दिखाइए भैया जरा इसको। एक मिनट, इन्होंने कहा दानिश आजाद की ये हैसियत नहीं 50 वोट अपने गांव में दिला सके। अभी घोसी में सारी जनता ने देख लिया दानिश आजाद को। एक मिनट, इन्होंने कहा कि दंगा, इधर आइए चाचा, इधर आइए आइए। इन्होंने कहा दंगा, भाजपा नहीं रहती तो दंगा होते। तो अखिलेश भैया चूड़ी पहने थे क्या? जो काम योगी जी कर रहे हैं वो अखिलेश भैया चूड़ी पहने थे क्या? जब सलमान कटरीना का नाच देख रहे थे डिंपल भाभी के साथ? अभी दिल्ली के अंदर G20 हो रहा था, वहाँ कौन कौन आया था पता है? इनसे वो दंगा की बात, दंगे क्या बात है? दंगा जब भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाएंगे तो क्या करेंगे? अरे भाजपा के लोग करवाएंगे। तो अखिलेश भैया चूड़ी कर रहे थे कि डिंपल दंगा हुआ था, उसमें हिंदू जला के नहीं मारे गए थे क्या? है सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, केंद्र में क्यों नहीं करी? किसकी सरकार थी? स्टेट बीजेपी की थी ना, उसी बदौलत 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बदौलत करे 2014 में गोत्राकांड की वजह से प्रधानमंत्री। इनको मालूम ही नहीं है पंडित, हिंदुत्व हमें इन्हें क्या मालूम है? हमें कुछ नहीं मालूम। ये हिंदुत्व के नाम पर आए और हिंदुत्व का चेहरा गोत्राकांड का सहारा लेकर के लोग बने और किसी को बना करके बाबरी मस्जिद। समाजवादी पार्टी किस बुनियाद पर बनी? समाजवादी पार्टी कब बनी पूछिए इनसे। समाजवादी पार्टी चौधरी चरण सिंह की पार्टी से टूट करके बनी है। पहली बार सरकार बनी, मिली जुली सरकारें बनी, सुन लीजिए, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा लगा हुआ। मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा था, ये नारा था। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं जातवादी पार्टियां बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी का वोट काटने के लिए ही ये आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के चौधरी चरण सिंह से इनको अलग किया था और चौधरी चरण सिंह की भी इन्होंने मटिया मेट कर दी, इनकी मटिया मेट कर दी, समझे? ये आप बीजेपी इनकी मटिया मेट करने पर लगी हुई है और शुरू कर दिया है कहानी खत्म होने वाली। कांग्रेस की एक गलती की वजह से आज कांग्रेस कभी उभर ही नहीं पा रही। क्या गलती मालूम आपको? सुप्रीम कोर्ट से वादा किया गया कि मस्जिद को आज नहीं आने देंगे, मस्जिद गिरा दिए गए, बेचारे कुछ नहीं कर पाए। कहने का मतलब आप जो हमेशा मुसलमान उत्तर प्रदेश में सरकार कल्याण सिंह की भारतीय जनता पार्टी की थी केंद्र से, कि आपको यही नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में था मामला, सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी ने नरसिम्हा राव ने वहाँ के तमाम कार सेवक जो इकट्ठा करने के लिए, जबकि कहा गया था वहाँ कोई नहीं जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार सेवक जा करके जबरदस्ती गिराई गई। क्यों नहीं कार्रवाई की आप? समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार थी वो समाज, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी नहीं आई? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने निभाया, उन्होंने सरकार को केवल विश्वास में लेकर रखा कि हम इसको कोई क्षति नहीं होने देंगे और पूजा करने बैठ गए वो, फिर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ फोन नहीं उठा रहे, हम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक गठजोड़ बनाया, क्या उसके बाद क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं? तो अभी आप पश्चिम आधा मुसलमानों की बात हुई है तो वही कहना। एक बात बताइए आप मुझे, अगर लिंचिंग होगी तो कोई पूछ के बताएगा तुम पसमानदा हो के सिया हो या सुन्नी हो? पूछेगा कोई क्या? अगर हम आपको मारने आए तो हम आपकी जात पूछ के मारेंगे क्या कि आप कौन से हिंदू हो भाई? कांग्रेस की सरकार राजस्थान में मार पसमानदा मुसलमानों बात हो रही। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है अगर मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हिंदुस्तान कितना गर्व नहीं हुआ होता। चलिए ठीक है, उनकी मानसिकता, उनकी पर्सनल राय नहीं बताएंगे। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, दो मुसलमान को जला दिया गया था सचिन पायलट में, इनको तब दर्द नहीं हुआ, तब पंडित जी को दर्द नहीं हुआ, आज पासमानदा सिया सुन्नी कर रहे हैं क्या वहाँ पे कांग्रेस सरकार? हरियाणा में सरकार किसकी है? मोनू मनेश्वर जेल नहीं गया वहाँ पे? जो जेल गया फिर इतना दिन कल क्यों नहीं डाले? आसिफ को गोमती नगर में मार दिया, क्यों नहीं डाले थे जेल में?
ये लोग सिर्फ मुसलमान को लॉलीपॉप दे के जेल डालने कि भाई से कुछ होता है क्या, उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए, मौत की सजा मौत होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में कितनी सजाए मौत दी, कोई बोलेगा? हिंसा में कोई नहीं बोलता, मणिपुर की हिंसा में कोई नहीं बोलता, हिमाचल की हिंसा में कोई नहीं बोलता, अरुणाचल की हिंसा में कोई नहीं बोलता, आपके कौशाम्बी के हिंसा में कोई नहीं बोलता, आपके जो देवरिया के हिंसा में कोई नहीं बोलता, आपके कानपुर के देवरिया हिंसा में कोई नहीं बोलता, कोई महोबा के हिंसा में नहीं बोलता। और एक लड़की मूक बधिर लड़की जिसका कल मेरठ में वो हो गया रेप हो गया और उसको कुछ नहीं किया, छोड़ दिया वहाँ पर, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है उसके लिए और 107/16 में चलान करके छोड़ दिया गया। क्या बात कर रहे हैं रेपिस्ट को भाई, ये भाजपा की सरकार है। चलिए, ये सपा की सरकार बता रहे हैं, गायत्री प्रजापति माँ बेटी का रेप करते थे और अखिलेश यादव अपने बंगले में छुपाए थे, ये रेपिस्ट की बात। अरे रेपिस्ट मंत्री, रेपिस्ट क्या भोगा तो भाजपा ने भोगा, भाजपा ने सजा करवाया उनको, भाजपा की सरकार। अरे भाई मंत्री, जब मंत्री हो लोग कैसे करेंगे, तो आम जनता हम कह रहे हैं अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति थे वो जेल गए और आज जो रेपिस्ट है उस गुंडे बाहरे बच्ची का, उसको तो क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति हर घर में पैदा करोगे क्या? बीजेपी के लोग पैदा करेंगे हर घर में गायत्री प्रसाद प्रजापति को?